हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कहाँ एडमिशन लें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में हमें प्लेसमेंट मिलेगी, इतने सारे कॉलेजेस हैं, हमें कैसे हम ध्यान दें। कोई हमसे कह देता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, कोई कह देता है इस कॉलेज में एडमिशन ले लो। स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें एक्चुअल में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो आज मैंने ये वीडियो इसी के ऊपर बताई है, आप लोगों को बताने के लिए बताया कि आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लो तो उस बात पर आप कुछ ध्यान दो। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी ये मेरी पूरी वीडियो देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। चाहे आप बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये वाला कॉलेज NIOS बोर्ड का नहीं लेता, ये वाला कॉलेज बिहार बोर्ड का एडमिशन नहीं लेता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो भी कॉलेजेस होते हैं वो उस हिसाब से अपने हर कॉलेज, हर बोर्ड के स्टूडेंट्स का एडमिशन लेता है जो रिकॉग्नाइज बोर्ड होता है। तो जब नोएडा जाते हैं, ग्रेटर नोएडा जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है इतने सारे कॉलेजेस हैं, लॉट्स ऑफ कॉलेजेस हैं। कोई कहता है इसमें एडमिशन ले लो, BBA में लेना है चलो इसमें ले लो। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ग्रेटर नोएडा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कॉलेजेस के बारे में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ UGC की अप्रूवल की। अगर आप कहीं बात करती हूँ UGC की अप्रूवल की, अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो वो UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, UGC से सर्टिफाइड होना चाहिए, जो UGC की साइट पर आप पता कर सकते हो। UGC की साइट पे एक ऑप्शन आता है स्टेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये UGC से अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ये तो बात रही UGC की। सेकंड बात आती है कि जो यूनिवर्सिटी है वो NEC एक्रेडिट है या नहीं है। कि NEC एक्रेडिट हो तभी आप वहाँ पर एडमिशन लो, वही आपका बेनिफिट है एडमिशन लेना UG कोर्सेज के लिए। दूसरा आता है ISO सर्टिफाइड होना चाहिए कॉलेज, जो भी है अच्छी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का कैसा कैंपस है। एंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने से या फिर क्राउड कैसा जा रहा है, इससे आप अपने कॉलेज की जजमेंट मत करो। आप ये देखो कि वहाँ प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टीज़ कैसी हैं, फैकल्टीज़ हेल्पिंग है या नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपको उनके साथ अपना प्रीशियस टाइम, क्योंकि जो 12th के बाद का जो इतना टाइम होता है वो एक बहुत प्रीशियस टाइम होता है, आपको अपना प्रीशियस टाइम उन टीचर्स के साथ स्पेंड करना है। बात करती हूँ कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर की, कि कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बोलते हैं कि उसका तो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत अच्छा कॉलेज है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ फ़ीस स्ट्रक्चर से कॉलेजेस के बारे में हम एनालाइज़ नहीं कर सकते कि वो कॉलेज कैसा करो। तो ये 5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखो। सबसे पहले वो NEC एक्रेडिट कॉलेज होना चाहिए, सेकेंड UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे UGC की साइट का आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि वो UGC से अप्रूव्ड है या नहीं है। थर्ड इज़ दैट वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, फोर्थ वहाँ प्लेसमेंट कैसी देती है, एंड फिफ्थ इज़ दैट ISO सर्टिफाइड, एंड लास्ट फैकल्टी कि वहाँ पर फैकल्टीज़ कैसी हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जब भी एडमिशन लो तो आप इन 6 बातों का बहुत ध्यान रखो। ग्रेटर नोएडा में कुछ कॉलेजेस में सर्वे करके हमें ये पता चला कि ग्रेटर नोएडा में UG कोर्सेज के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है जो NEC एक्रेडिट कॉलेज है, वो है मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो कि NEC एक्रेडिट है सिर्फ UG कोर्सेज के लिए। पूरे नोएडा में कोई भी UG कोर्सेज के लिए NEC एक्रेडिट कॉलेज नहीं है। अब आप खुद ही देख सकते हो कि किस तरीके से नोएडा में वेरी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ लाइक PhD होल्डर्स है, NET क्वालिफाइड है, डबल NET क्वालिफाइड है, GRF फैकल्टीज़ हैं, एकदम हाईली क्वालिफाइड वहाँ पर फैकल्टीज़ हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूशन इन द ग्रेटर नोएडा, जो कि पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ बच्चों को कोर्सेस करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कोई भी कॉलेज चुनो, बस एक ढंग से चुनो, जान के उस चीज़ को चुनो।
सब वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के काउंसलर्स इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे. जब हमने उन्हें बच्चों की प्रॉब्लम बताई कि इतनी फीस स्ट्रक्चर्स की वजह से भी कभी कभी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैम अभी तो हम इतना, अब एडमिशन्स का पीक टाइम है, हम ज़्यादा इस बात को आगे तक लेके जाएंगे तो इतनी बड़ी, इतनी जल्दी बात आगे तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन हाँ हम कुछ आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप अगर इस कॉलेज में, आप एक बार कॉलेजेस में जाओ. जो भी मैंने कंसर्न पर्सन का नाम दिया है, नितिन पनवर सर है, ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव टीचर, वेरी सपोर्टिव टीचर. आप उनसे बात करो, एडमिशन काउंसलर हैं ये वहाँ पर, एंड आप उनसे एडमिशन्स के लिए अपनी बात कर सकते हो. और मैंने एक आपको कोड दिया है, आप ये कोड बताकर अपनी फीस में 5% डिस्काउंट करा सकते हो. स्टूडेंट्स, जितना मेरे से हो सका मैंने आप लोगों के लिए किया, क्योंकि पहले हम लोगों ने कॉलेजेस में सर्च किया कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है, तो हमें ये बेस्ट कॉलेज लगा, तो उसके बाद फिर हमने उसमें सोचा कि हम आपके लिए कुछ डिस्काउंट कराएं फीस में, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो, आप लोगों को ये लगे कि नहीं हम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. वैसे भी इनकी फ़ीस, जितनी भी ग्रेटर नोएडा में फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी कोर्सेज का फ़ीस स्ट्रक्चर्स है, वहाँ से इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर वैसे भी कम है, लेकिन तब भी आप, फिर भी आप इनके पास जाते हो, हमारा चैनल का कोड बताते हो, तो तब भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलेगा. क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी मैं इतना ही करा सकती थी, वो इसलिए कि अभी उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता, कि हमें काफ़ी हाई अथॉरिटी तक बात करती, आगे UGC में बात करती, बाकी कॉलेज डिपार्टमेंट्स में बात होती, तो इस ये टाइम तक, यहाँ तक पहुँचने में अभी बहुत टाइम लग जाता. सो इसलिए प्लेसमेंट के बारे में, सबसे पहले जो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई उसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, NIC accredited ये है, UGC अप्रूव्ड है, ISO सर्टिफाइड है, UGC में अप्रूव्ड में ये है, UG में, NIC accredited में UG कोर्सेज जितने भी हैं, BCOM, BBA, BCA, इस ये कोर्सेज यहाँ पर बेस्ट कोर्सेज हैं पूरे ग्रेटर नोएडा में. ये एक अकेला कॉलेज है जो कि NIC accredited कॉलेज है. थर्ड, यहाँ की फैकल्टीज़ जो नेक्स्ट हैं, वो यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत कोऑपरेटिव हैं और हाइली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं. एंड सिक्स्थ, बाकियों से फीस स्ट्रक्चर कम है, लेकिन फिर भी मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम कराने की कोशिश करी है. सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है प्लेसमेंट की, यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है. तो मैंने प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ दिखा रही हूँ, आप वो देख सकते हो यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है. तो मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, लोकेटेड इन वन ऑफ द प्रीमियर एजुकेशनल हब ऑफ NCR, नॉलेज पार्क 2, ग्रेटर नोएडा, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड NAC accredited इंस्टीट्यूट. Offers courses in the field of management, engineering, biotechnology and education. Dedicated and highly qualified faculty, good placement record, 90% students placed in renowned companies. To explore a new world of learning and innovation, do visit Mangalmay Group of Institutions, Greater Noida. ये जो approved है वो AICTE से ही है. मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है. APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है, और यहाँ पे काफ़ी सारे इनको NIC accredited के अवार्ड्स मिल चुके हैं. बेस्ट प्लेसमेंट है इन अ बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, और जो इनका फीस स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी लेस. एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं BBA के, BTech के, BBA के, जो ओप्पो की कंपनीज में रिक्रूट हो चुके हैं पैकेज के. सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, BBA, MBA, सूरज कुमार फॉर द BBA, अंकुर मिश्रा फॉर द BBA, PCDM, MBA, हार्दिक गोयल फॉर द MBA, BTech, ये सब यहाँ के टॉपर्स रह चुके हैं. एंड बहुत सारी कंपनीज है, वीवो कंपनी, SDFC हेल्थ इंश्योरेंस एंड सैमसंग, बहुत सारी कंपनीज़ में यहाँ के स्टूडेंट्स रिक्रूट हो चुके हैं, जो एक बहुत प्लेसमेंट, यहाँ की बेस्ट प्लेसमेंट में जानी जाती है मंगलमय इंस्टीट्यूट की. सो स्टूडेंट्स, आप लोग एजुकेशनल काउंसलर्स से यहाँ के एडमिशन्स के लिए बात कर सकते हो. अगर आपको तब भी कोई क्वेरी आती है, अगर आप चाहें से लेके कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो. बाकी मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट बॉक्स पे दे दिया है. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ से हमें बता सकते हो. अगर आप BCA के लिए, BBA के लिए प्लान कर रहे हो, MBA के लिए प्लान कर रहे हो, देन गो फॉर दैट. आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे अपना डायरेक्ट एडमिशन
ले सकते हो। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे होता है ना, बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, आप कल आना या फिर आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दो, तो इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। सारा काम आपका ईजिली ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि ये काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ यहाँ पर है। तो आप इनसे नितिन परवार सर से बात कर सकते हो, सीनियर एजुकेशनल काउंसलर ऑफ द कॉलेज। तो जो भी फीस की बात आपको करनी है, जो भी फीस स्ट्रक्चर में आप रिबेट चाहते हो, एंड हमारे ये कोड देकर आप उनसे फीस स्ट्रक्चर में रिबेट ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।